नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं लोगों को स्पेशल चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। वो कोई नॉर्मल चीज़ तो लेना ही नहीं चाहते और हर जगह यही पूछते रहते हैं कि मुझे ये स्पेशल मिल जाए क्या, मुझे ये चीज़ स्पेशल चाहिए ऐसा करके। आज भी हम कुछ स्पेशल ही बात करने वाले हैं एक्सेल में गो टू स्पेशल के बारे में, और उसमें देखेंगे हम ब्लैंक, गो टू स्पेशल में ब्लैंक देखेंगे, जिससे मेरा तो 50% काम पूरा हो जाता है। स्पेशल वाले जो काम है मेरे, 50% काम मेरे तो उसी से पूरे हो जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही नोटिफिकेशन मिलती रहें, ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा डाटा, इसमें हम काम करके देखेंगे, गो टू स्पेशल लगाएंगे, इसमें कुछ स्पेशल काम करेंगे। तो इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लेजर नेम दिया हुआ है, मतलब पार्टी का नाम दिया हुआ है और साथ में उसका GST नंबर है और उसके इनवॉइस डिटेल उसके नीचे में दिए हुए हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो लेजर नेम और ये GST डिटेल है, ये साइड बाई साइड यहाँ पर आ जाए, ताकि उसमें हम आसानी से काम कर सकें, उसकी पी आउट टेबल वगैरह हम क्रिएट कर सकें आगे। तो इसको हम गो टू स्पेशल के थ्रू करेंगे। तो उसके पहले मैं फ़िलहाल यहाँ पे जो एक कॉलम मैं इंसर्ट कर दिया हूँ फर्स्ट में, और वहाँ पे मैंने 1-1 लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में। मैंने इसको इसलिए लिखा ताकि जो हमारी ये जो ब्लैंक सेल्स है ये फ़िल्टर करने में प्रॉब्लम ना करें, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो अभी मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं डिलीट की प्रेस करूँगा तो ये मेरा हट गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं ये वाली लाइन पूरी ब्लैंक हो गई है, केवल लेजर नेम बस वही वाले आपको दिख रहे हैं। तो अभी हमें क्या करने हैं, ये लेजर नेम ये सारी सारी ब्लैंक सेल में भी हमें इंसर्ट करने हैं, कि मतलब ये जो हमारा लेजर नेम ऊपर लिखा हुआ है उसके नीचे वाली सारी ब्लैंक सेल में आ जाए, ये जो लेजर नेम लिखा है वो उसके नीचे वाली सारी ब्लैंक सेल में आ जाए। तो इसके लिए हम चलेंगे गो टू स्पेशल में। उसके पहले जाने से पहले मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारी जो लाइन है। ठीक है, ये लाइन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम होम बटन में आएंगे। होम बटन में आपको फाइंड एंड सेलेक्ट करके यहाँ पे दिखेगा, फाइंड एंड सेलेक्ट करके दिखेगा, इसमें आप गो टू स्पेशल में जाएंगे, या तो आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद में ये वाला विंडो खुलता है, इसमें यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है तो हम इसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आप या तो होम में जाके फाइंड एंड सेलेक्ट करके उसके थ्रू जाएंगे, या तो कंट्रोल जी प्रेस करके यहाँ से ले जाएंगे। अब हम इसमें चूज करेंगे ब्लैंक, आपको यहाँ पे ऊपर के तीन छोड़ के यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, उसको हम चूज करेंगे। मैं यहाँ पे ओके प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं ये सारी सेल हाईलाइटेड हो गई एक सबसे ऊपर वाली छोड़ के। तो मैं अभी कहीं कुछ माउस वगैरह कहीं कुछ क्लिक नहीं करूँगा, मैं वहाँ पे सीधा मेरी जो फर्स्ट सेल हाईलाइटेड है वहाँ पर मैं इक्वल का चिन्ह लगाऊँगा, ऊपर वाले को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, आप देख रहे हैं ये मेरा एक फार्मूला टाइप का लग गया। आप यहाँ पर आप दूसरा फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, सभी के लिए आप कोई भी एक फार्मूला लिख दीजिए उससे रिलेटेड, आप उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अभी मुझे फिल करनी है इसलिए मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल इंटर प्रेस कर दूंगा। क्या प्रेस करूँ, कंट्रोल इंटर। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल इंटर प्रेस कर दिया। अब आप देख सकते हैं वो सारी की सारी जो भी मेरी सेल्स थी वो सब पूरी पूरी फिल हो गई ब्लैंक के सामने। अब मेरी जो इनवॉइसेस है मैं उसको यहाँ से फिल्टर करके हटा सकता हूँ आसानी से। अब मुझे जो जो इनवॉइसेस चाहिए मैं वही बस लूँगा, बाकी ये ब्लैंक वाले को नहीं चाहिए तो उसको मैं ब्लैंक वाला सेलेक्ट करके उसको मैं हटा सकता हूँ। अब ये मैंने ब्लैंक सेलेक्ट किया। ठीक है, उसको मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अभी फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है तो आप इसको कॉपी करके पेस्ट स्पेशल और वैल्यू कर लीजिए, ताकि ये फार्मूला आपका जो लगा है डिलीट करने से बाकी सेल्स को वो हट ना जाए।
अभी मैं ब्लैंक वाली सेल्स को डिलीट कर दूंगा, तो ये जो जो मेरी इनवाइसेज हैं वही बस रह जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा पूरा सेट। अब यहाँ से आप सेलेक्ट करके डेट वाला कॉलम आप चाहें तो इसको भी आप हटा सकते हैं, जो जगह जगह डेट लगी हुई है। ठीक है, लेजर नेम डेट, लेजर नेम डेट, ऐसा करके। तो मैं इसके लिए भी टेक्स्ट फिल्टर कर लूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा एकदम अभी सही शॉट आ गया है, ये हमारा पार्टी का नेम हो गया, उससे रिलेटेड इनवाइसेस और बाकी सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये स्पेशल आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी के साथ में इस स्पेशल चीज़ से गो टू स्पेशल में जाके मैंने ये काम को कर लिया। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए कमेंट करके, और नेक्स्ट हमारी वीडियो कौन सी होनी चाहिए एक्सेल फार्मूला या ट्रिक्स से रिलेटेड, आप वो भी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने भी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लोग फ़ायदा इसका उठा सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।